कोरोना वायरस के चलते कई लोगों का कामकाज बंद हो गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है जिनका काम सिर्फ सीजन में चलता है, जैसे शादी विवाह वाले। लॉकडाउन के चलते कई लोगों की शादी विवाह और दूसरे फंक्शन कैंसिल हो गए हैं। 22 मार्च से 3 मई तक लगे लॉकडाउन के कारण शादी विवाह वाले कामकाज बंद कर बैठ गए हैं। 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया और 7 मई को पीपल पूर्णिमा समेत दोनों महीने के अधिकतर शादी के समय आने वाली तारीखों तक टल गए हैं। शादी से जुड़े लोगों की माने तो उपमंडल में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा तक सैकड़ों विवाह होते हैं, जिसमें तकरीबन शादियां रद्द हो गई हैं। शादी ना होने से पंडित, ब्यूटी पार्लर, हेयर सलून, लाइट डेकोरेशन, डीजे, टेंट, मैरिज पैलेस, सुनार, केटरिंग, घोड़ी, फोटोग्राफर, हलवाई, बैंडवाला समेत छोटे मोटे कामगारों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। औसतन एक शादी में 50 से 100 लोगों को काम मिलता है। शादियां रद्द होने पर हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों का अनुमान है कि अगर कोरोना मरीजों पर लगाम नहीं लगी तो लॉकडाउन बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। जो हमारे कर्मचारी थे, जो अपने हमारे कर्मचारी 50-60 कर्मचारी है, उनका भी लॉस हुआ है। हमारे तो हुए तो वही बात। ये क्या स्थिति है घर चलाने के लिए? क्या स्थिति? तो बहुत गड़बड़ है इस समय। जो हम कर्मचारी है उनकी भी स्थिति गड़बड़ है, अपनी भी स्थिति गड़बड़ है। जो अपन यहाँ वहाँ लेके चलाते थे काम, भाई पैसा अपन यहाँ से लेते, कहीं वहाँ से ले, और सीजन पर पटा देते थे। अब वो स्थिति इतनी गड़बड़ है, क्या बताएं, कुछ बता ही नहीं सकते। अब तो कब तक के लिए आपको लग रहा है कि स्थिति गड़बड़ रहेगी? ये स्थिति अभी तो समझ लो कि जून तक रहेगी। जून से भी मान लो दिसंबर नवंबर भी चली जाए, अभी कुछ कहा नहीं जाता। अभी लॉकडाउन होने के कारण हम लोग के आर्थिक प्लस व्यापारिक हमसे जुड़े लोग हैं, सभी का भारी नुकसान हुआ है। हम लोग की ये 10 अप्रैल से ऑर्डर होना चालू थे, जिससे लॉकडाउन के कारण जितने भी आगे के जून तक के ऑर्डर हैं सभी कैंसिल हो चुके हैं। और अभी इस टाइम का ये है कि जितने भी हमारे से जुड़े हुए व्यापार और हमसे जुड़े हुए निचले स्तर के मजदूर हैं, जो हम लोग से काम करते हैं, सबकी स्थिति आर्थिक तंगी में है। अब हम लोग इसमें बहुत परेशान हैं। वैसे सीजन चालू जी, एक सीजन में मतलब कितने की एक्टिंग होती है? हाँ, एक सीजन में हम लोग को खर्चा पूरा काट के कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए 2 महीने के अंदर हो जाते हैं। और ये 2-3 महीने का ही सीजन होता है। अब ये तो ऑर्डर होने के ऊपर होते हैं कि कितने ऑर्डर होते हैं, कितने नहीं होते हैं। जो हमारा टेंट व्यवसाय है, मूलतः गांव से लेके महानगरों तक हर गांव में, हर शहर में टेंट व्यवसाय है और सेवा भावी व्यापार है। हम अपने परिवार, अपने स्टाफ का पालन करते हैं इस व्यवसाय से, और बहुत ज़्यादा हम लाभ के लिए, लाभ का व्यापार के हिसाब से नहीं, सेवा भाव के हिसाब से व्यापार जिंदा है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा प्रभाव हम ही को पड़ा, क्योंकि हमारा मुख्य सीजन होता है गर्मी। गर्मी में ही ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी शादियाँ, चूँकि हमारे देश के एक परंपरा, एक व्यवस्था है, फसल से पूरे देश की रूटीन बनता है, आर्थिक व्यवस्था फसलों से होती है। जब फसल का उत्पादन अच्छा होता है तो विवाह शादियों की तैयारियां होती है, उस हिसाब से हमारा ये गर्मी का सीजन प्रमुख सीजन होता है, जिसमें हम साल भर की व्यवस्थाएँ मैं स्टाफ के बना पाते हैं। आज कोरोना की जो त्रासदी के कारण पूरा हमारा दिवाली के बाद से कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, लेबर का, स्टाफ का, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, सारे बिल, GST, इनकम टैक्स सब दे दे के हम लोग पूर्णतः रोड पे आ गए हैं। यदि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों ने हमें मलहम लगाने का काम नहीं किया तो आने वाले समय में यह व्यापार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों को आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ेगा। न्यूज़ डेस्क।